बिग बॉस 18 में ये कॉमेडियन अभी हिस्सा ले सकते हैं। एक कॉमेडियन को भी अप्रोच कर लिया गया है, और तो और भाई बताया जा रहा है कि ये ऑलमोस्ट जो है कंफर्म हो चुके हैं। मैं आप लोगों को बताती हूँ, धीरज रखिए, क्योंकि बहुत जल्दी जो है बिग बॉस 18 शुरू होने वाला है। अगर देखा जाए तो भाई 20 दिन ही रह गए हैं बिग बॉस 18 को शुरू होने के लिए, और मेरी गॉसिप का सिलसिला जो है अब से ही शुरू हो चुका है, और मैंने तो गॉसिप करनी शुरू कर दी है कंटिन्यूअसली। अभी काफी टाइम का मैंने गैप लिया, छुट्टी ली, और फिर दोबारा से मैं अपने चैनल पे वापस आ चुकी हूँ। अब जो है सलमान खान का शो है। जब बिग बॉस की बात होती है, सलमान खान की भी बड़ी बात होती है, सलमान खान कितने पैसे ले रहे हैं, क्या थीम है, वगैरह वगैरह की बातें, और कंटेस्टेंट कौन आ रहा है, कैसा कंटेस्टेंट आ रहा, उसका बैकग्राउंड क्या है, इन्हीं वीडियो के जरिए जो है आप लोगों को जानने के लिए मिलता है। और मैं भी जो है आप तक अपडेट के साथ साथ गॉसिप भी पहुँचाती रहती हूँ, या तो बोलूँ मैं गॉसिप के साथ साथ आप लोगों को अपडेट भी देती रहती हूँ। अब आप लोगों को पता है कि कपिल शर्मा के शो में जो है एक कॉमेडियन थे चंदन प्रभाकर, उनका असली नाम है, और चंदू चाय वाला वो एक्चुअली में किरदार किया करते थे, और चंदू चाय वाले के किरदार करते करते वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गए। तो अब जो है उनको देखा नहीं गया है, कहीं पर भी आजकल देखा नहीं जा रहा है। अगर हम लोग बात करें तो द ग्रेट इंडियन कपिल शो, जो कि नेटफ्लिक्स पे आता है, हाल ही में ही जो टेलीकास्ट हुआ था, उसमें भी जो है, जो कि मतलब कि चंदन प्रभाकर हैं, ये कपिल शर्मा के बहुत अच्छे दोस्त, बचपन के दोस्त हैं। इनको हर एक एपिसोड में तो देखा गया, हर एक सीजन में इनके साथ देखा गया, पर जब ये शो नेटफ्लिक्स पे टेलीकास्ट हुआ तब वहाँ पर देखा नहीं गया। और उसके बाद जो है इनसे सवाल भी पूछे गए कि भाई आप बताइए कि आप आजकल दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इनका कहना ये है कि अब ये कॉमेडी छोड़ के जो है कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ OTT के लिए करना चाहते हैं। तो अभी OTT के लिए तो चलो इन्होंने कर ही लिया है, तो कुछ और चीज़ें, और TV इंडस्ट्री में ये मतलब कि OTT को छोड़ के जो है ये TV इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं। तो TV इंडस्ट्री क्या है? कलर्स TV। तो कलर्स TV पे क्या आता है? बिग बॉस 18 आने वाला है, और डेट बताई जा रही है 5 अक्टूबर। तो अब बिग बॉस 18 तो आने वाला है, तो इनको अप्रोच कर लिया गया है, तो इन्होंने भी अपनी किस्मत को आजमाने के लिए जो है मेकर्स को हाँ बोल दिया है। अभी ये आएंगे तो इनको लोग एक्चुअली में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ये काफ़ी कॉमेडी का तड़का लगा सकते हैं, और इनकी रियलिटी देखने के लिए वाकई में लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। और अगर ये आ रही हैं तो डेफिनेटली इनके ऊपर निगाहें तो ज़रूर रहेंगी लोगों की। हालांकि ये अपनी जगह कितनी बना पाएंगे लोगों के दिल और दिमाग में, ये तो के ऊपर डिपेंड है। क्या कहते हैं आप लोग, क्या आप चंदू चाय वाले को देखना पसंद करेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।